टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। मेरठ के थाना मुंडाली के चौकी प्रभारी सुभाष चंद, दरोगा कौशिंद व कांस्टेबल तस्लीम अहमद और दो तीन अन्य पुलिस कर्मियों पर नशे की हालत में सिसोली के एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप है। आरोप है कि पुलिस ने नशे की हालत में महिलाओं से सिर्फ बदतमीजी ही नहीं की बल्कि महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज भी की, साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। मोहल्ले के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, साथ ही मोहल्ले के दो निवासियों को उठाकर ले गए और उनके साथ पूरी रात मारपीट की। पीड़ित महिलाओं में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है जिसकी नशे में धुत पुलिस ने जमकर पिटाई की। देखिए पीड़ित बुजुर्ग महिला से मिली जानकारी। 11 बजे रात के 5 बजे वो तकड़े पुलिस वाले जाकर गेट उठ तोड़ दिए, चौकट पोकट सब पाड़ दी, जो घर में बर्तन उतर सब तोड़ दिया। मैं कह रही भैया जी ऐसा क्यों कर रहे भैया, साली बहन जो बहन की लोड़ी बहुत बहुत मेरे पे कहीं भी नहीं जाए। फिर बालकों को पिटल लगे दोनों को, जो उनसे मारपीट कर ले गई। मैंने लड़की रिजाई में लौट रही उस पर खिंचन लगे, मैं नू पड़ी तो मेरा ही सोच रही है कि बहुत मार पिटाई करी गैल में बाल। कौन कौन कितने पुलिस वाले थे, कहाँ की पुलिस थी? मुंडाली। नशे में भी थे क्या वो लोग? नशे में भी थे? कितने बजे घुसे थे घर में? 11 बजे। देखिए इस मामले में जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत तोमर ने क्या कहा। क्या हुआ, क्या आरोप है पुलिस के ऊपर? मैं दुष्यंत तोमर, जिला पंचायत सदस्य पुत्र व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ पुलिस, थाना मुंडाली के मौखास पुलिस चौक के इंचार्ज सुभाष चंद दरोगा और उनके साथ तस्लीम अहमद व 3-4-5 पुलिस वाले और अज्ञात लोग ग्राम सिसोली में दलित परिवार के घर में गए और जाकर वहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। घर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए उनके घर का गेट तोड़ दिया, गेट तोड़कर उनके साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी, जाति सूचक चमार चट्टे का शब्दों का इस्तेमाल करा और बेहद शर्मनाक ये घटना है कि पूरे क्षेत्र के अंदर उसने तानाशाही और पूरे क्षेत्र के अंदर पैसों की एक दलाली का काम कर रहा है। हमारा कप्तान साहब से निवेदन है, हम कप्तान साहब से प्रार्थना करते हैं कि 80 साल की बुढ़िया हैं जिनके साथ उसने मारपीट करी है, इनका कुल्ला अभी भी सूजा पड़ा है, इनके दो बेटों को पुलिस वहाँ से लगातार मारती हुई वहाँ से थाने ले गई है बिना किसी वारंट के। वजह क्या थी, किस लिए घुसे थे पुलिस वाले घर में? लगभग दो साल पहले इनका पोता राधे, लगभग दो साल पहले इनका पोता राधे एक गांव की लड़की आयशा जिसकी उम्र 27 साल है और लड़के की उम्र 28 साल है, दोनों पूर्ण रूप से बालिग है, दोनों घर से फरार हो गए। उसकी वजह से उन्होंने रिपोर्ट करी थी, रिपोर्ट में जब भी इनके परिजनों को घर बुलाकर पूछताछ करी है, ये सब लोग वहाँ गए हैं अपने जाकर के, इन्होंने बयान दिया, बातचीत करी है, घर वालों को आज तक ना लड़के का पता है ना लड़की वाले को लड़की का पता है। पुलिस वाले जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं, नशे में भी थे पुलिस वाले क्या? पुलिस वाले लगातार जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं, रात इनके घर पर आए शराब के नशे में सुभाष चंद दरोगा और तस्लीम अहमद और अन्य 5 पुलिसकर्मी। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ।